हेलो एवरीवन, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का हमारा सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हमने सारी टाइप की जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है उनका बेसिक नॉलेज ले लिया है। वो यदि आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और फिर आप इस लेक्चर पर आए सेकंड लेक्चर पर। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं को प्री अरेंजमेंट, क्लेजन को प्री अरेंजमेंट, एजा को प्री अरेंजमेंट, ऑक्सी को प्री अरेंजमेंट एंड आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। बेसिकली ये सभी फाइव जो मैंने यहाँ पर रीअरेंजमेंट से लिए हुए हैं, ये 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का एक एप्लीकेशन है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कैसे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है वो हम इनके थ्रू ही समझेंगे, कैसे होता है, उनके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, क्यों बनते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि आज भी या फर्स्ट लेक्चर भी जो हमने देखा था उसका भी मैंने PDF अवेलेबल करवाया था, आज का लेक्चर जो हो रहा है इसका भी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पर ले जाएगा और फेसबुक पेज पर जाकर के आप पेज को लाइक जरूर कर ले, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आज का जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पेज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले को प्री अरेंजमेंट से। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास को प्री अरेंजमेंट। देखिए को प्री अरेंजमेंट जो है ये 1,5 डाई इंस में होता है। दीज रिएक्शंस या दीज अरेंजमेंट टेक प्लेस इन 1,5 डाई इंस, ठीक है, किन में होता है, 1,5 डाई इंस में होता है। देखो 1,5 डाई इन में यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं, ये लो मैंने ड्रॉ कर दिया 1,5 डाई इन, ये है, मान लो कि मैं इसके नंबरिंग का यूपीएससी कर दूं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हम ये कहेंगे ये है हमारे पास 1,5 डाई इन, ठीक है, ये 1,5 डाई इन है हमारे लिए। अब देखो को प्री अरेंजमेंट में होता क्या है, ये जो कार्बन नंबर 3 है और कार्बन नंबर 4 है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड ब्रेक कहां पर होता है, C3 और C4 के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और C1 और C6 के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे होता है उसको हम समझते हैं। देखो जब भी हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बात करते हैं तो जिन दो कार्बन एटम्स के बिटवीन या जो जिन भी दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होता है उनको नंबर 1 और 1 देते हैं। ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो देख ले उसको। जिन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होता है उनको हम नंबर 1 और 1 देते हैं, और जहां तक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या जिन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहां तक नंबरिंग को कंटिन्यू करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 है, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास जिन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कौन से नंबर पर आ रहे हैं, 3-3 आ रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर है, क्यों हम इसे 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कह रहे हैं। ये सभी हमारी जो अगली आने वाली रिएक्शंस है, जो 5 रिएक्शंस अभी मैंने बताई उन सभी में 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो बेसिकली 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो हमने इस एग्जांपल में देखा। अब देखो एक यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पहले प्रोडक्ट बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या होती है वो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये ऐसे शिफ्ट होंगे तो होगा क्या, एक्चुअल में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड या 1 से स्टार्ट करता हूं मैं, 1-2 के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, जबकि 2-3 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 3-4 के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 4-5 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिमिलरली 5-6 के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 6-1 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये एक साइक्लिक स्टेट आ गई हमारे पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ बिटवीन द रिएक्शन। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो हमारे पास कुल मिलाकर के ये हो जाने वाला है, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है जिसका ड्राइविंग फोर्स है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन होती है या ये रीअरेंजमेंट होता है जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। और ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है और ये रिएक्शन भी थर्मल कंडीशन पर ही होती है। क्लियर है? तो ये है हमारे लिए कोप रीअरेंजमेंट। अब इसी के जैसे सारी के सारी रिएक्शंस एक जैसी है, अब मैं ले रहा हूं क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, इसको इरेज कर देता हूं। आपको कॉपी करने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आपको सीधा नोट्स मिल जाएगा, उसको वैसा का वैसा आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, और क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि दिस टेक प्लेस इन एलाइल विनाइल ईथर। किसमें? एलाइल विनाइल ईथर। एलाइल विनाइल ईथर में ये रिएक्शन होती है। देखो एलाइल विनाइल ईथर में बना रहा हूं, यहां पर ये रहा एलाइल विनाइल ईथर, यहां पर ये जो पार्ट है ये हमारे लिए एलाइल है जबकि ये क्या है? विनाइल है। तो इसका नाम हमने कह दिया एलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, ये क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट के लिए सब्सट्रेट है। अब देखो हम वही कर रहे हैं यहां पर जो हमने कोप रीअरेंजमेंट में किया था, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबरिंग कर दी हमने सबसे पहले कार्बन्स की या एटम्स की नंबरिंग कर दी यहां पर। जैसा कि कोप रीअरेंजमेंट में कार्बन था यहां पर ऑक्सीजन की जगह पर, ये थर्ड जो है थर्ड एटम यहां पर अब ऑक्सीजन आ गया है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि इस एटम को मैं A3 कह देता हूं और जो फोर्थ कार्बन है इसको A4 कह देता हूं। यहां पर भी वही होना है। क्या होना है? जो एटम 3 है और एटम 4 है इनके बिटवीन जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और एटम 1 और एटम 6 के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सेम टू कोप रीअरेंजमेंट जैसा कोप रीअरेंजमेंट में हुआ था। अब देखो फिर से वही, जिन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होना है उनको हम 1-1 दे देते हैं। जहां पर एटम जिन दो भी एटम्स के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है वहां तक हम नंबरिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। ये 3, ये 2, ये 3 हो गया। तो 3-3 एटम में जो दो एटम्स हैं जिनके बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उनकी नंबरिंग क्या है? 3-3 है, इसलिए ये क्या हो गया? 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर है? सेम वैसा का वैसा ही है जैसा हमने कोप रीअरेंजमेंट, थर्मल कंडीशन पर ये भी हो जाएगा। अब होगा क्या? एक पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है वो देखो, ये हम नंबरिंग से चलते हैं। 1-2 के बिटवीन बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। 2-3 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 3-4 के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। 4-5 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 5-6 के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 6-1 के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अब क्या बन जाएगी? एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये लो, ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड एक थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो है द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है? तो ये है हमारा क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। अब मैं आता हूं एजा कोप रीअरेंजमेंट पर। तो एजा कोप रीअरेंजमेंट भी बिल्कुल सेम टू सेम क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट जैसा ही है, लेकिन यहां पर सब्सट्रेट सिर्फ चेंज हो जाता है। यहां पर सब्सट्रेट होता है हमारे पास एलाइल विनाइल एमीन होता है, ठीक है, या अमाइन होता है। अब एलाइल विनाइल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ये देखो ये बन गया एलाइल विनाइल अमाइन। अब यहां पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मींस ये जो सब्सट्रेट है वो 2 डिग्री अमाइन भी हो सकता है या 3 डिग्री अमाइन भी हो सकता है। वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन की जगह पर है इसलिए मैं इसको एटम 3 कह देता हूं।
और इस कार्बन को एटम फोर कह देता हूं। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो एटम नंबर थ्री और फोर के बिटवीन वाला ब्रेक हो रहा है, और फॉर्म कहां पर होगा, वन और सिक्स के बिटवीन फॉर्मेशन होगा। जिन दो एटम्स के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उनको नंबर वन वन दे दिया, जहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वहां तक हम कंटिन्यू कर देंगे नंबरिंग को। ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, तो थर्मल कंडीशन पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। देखो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, वही कंडीशन अभी भी यहां पर अप्लाई होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वन और टू के बिटवीन तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, टू थ्री के बिटवीन फॉर्म होगा, थ्री फोर के बिटवीन ब्रेक होगा, फोर फाइव के बिटवीन फॉर्म होगा, फाइव सिक्स के बिटवीन ब्रेक होगा, और सिक्स और वन के बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये बन जाएगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन और उससे जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन। अब बॉन्ड यहां और यहां पर हो गया। अब ध्यान से देखो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, ये बन गया इमीन, ठीक है, अमाइन से क्या बन गया, इमीन बन गया। तो हम ये कहते हैं कि जो एजा कोप रीअरेंजमेंट है इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल या थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल इमीन्स। क्लियर है, बिल्कुल क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट जैसा ही, जैसे वहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल था, यहां पर इमीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल है। तो ये है एजा कोप रीअरेंजमेंट। अब मैं आगे जा रहा हूं ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट पर, ये मैं इरेज कर देता हूं। तो फोर्थ है हमारे पास ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, जिसमें सब्सट्रेट होता है थ्री हाइड्रोक्सी 1,5-diene, ये हम सब्सट्रेट लेते हैं, ठीक है। ये 3-hydroxy-1,5-diene में हमको ऑब्जर्व होती है ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। अब 3-hydroxy-1,5-diene क्या होता है, देखो इसको हम कहते हैं 3-hydroxy-1,5-diene, ये हो गया हमारे पास 3-hydroxy, नाम लिख देता हूं हाइड्रोक्सी 1,5-diene। क्लियर। अब सबसे पहले क्या होता है, यहां पर के एच मीन्स पोटेशियम हाइड्राइड एक बेस है जिसकी प्रेजेंस में यहां से ये हाइड्रोजन का हरण हो जाता है, यहां पर इसको किडनैप कर लिया, यहां पर इस बेस ने किडनैप कर लिया, तो बना क्या प्रोडक्ट है उसको हम देखते हैं। ये बन गया प्रोडक्ट हमारा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब हमारी पिक्चर यहां से शुरू हो जाती है, ये रहा हमारा वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये है सिक्स है। थ्री और फोर के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और वन और सिक्स के बिटवीन फॉर्म होगा। तो क्या होगा, अब यहां पर थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होना है, रीअरेंजमेंट होना है, ठीक। थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, तो होगा क्या, यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये इधर जाने वाले हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होना है। ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, किसके किसके बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किसके बिटवीन ब्रेक हो रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, जरा देखो क्या यही प्रोडक्ट बनेगा, आपने भी यही बनाया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जा रहा हूं, इस प्रोडक्ट के ऊपर H2O को अप्लाई कर देते हैं। यदि H2O को अप्लाई करते हैं या पानी में इसको भिगो देते हैं हम, तो होता है ये एक H+ को गेन कर लेता है, H+ को गेन कर लेता है, तो यहां पर हो जाता है OH। अब ये भी उतना स्टेबल नहीं है, होता क्या है कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, जब यहां नेगेटिव चार्ज आता है तो हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस कार्बन एटम के पास चला जाता है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप से हमको दिखाई देता है। यहां नहीं, यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे और ये बन गया हमारा ऑक्सीजन। अब ये भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया,
जब कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया था, अभी हम सीख करके आए थे क्लेजन में ही कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है वो मोर स्टेबल होता है या थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल होता है। तो इस ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट का भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है, ये है पूरा ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। अब मैं लास्ट पर आ रहा हूं, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट कैसे उसको करते हैं देखते हैं। आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये हमको एस्टर्स में देखने को मिलती है। एस्टर मैंने ये लिया, यहां पर एक एस्टर बनाया, ये हो गया मेरा एस्टर, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले LDA ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़े से रिएजेंट्स भी यहां पर लगेंगे। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ऐसी की ऐसी पूछी जा सकती है एग्जाम में, ऐसी की ऐसी आ सकती है ये इक्वेशन या इस ये जो रिएक्शन है हमको ये दे देगा, आपको एरो के ऊपर सारे रिएजेंट्स लगा करके दे देगा, पूछेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है, कैसे बनेगा प्रोडक्ट वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। चलो सबसे पहले एलडीए क्या करता है, यहां से एक हाइड्रोजन का हरण करेगा, ये कर लिया उसने हाइड्रोजन का हरण, तो हमारे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक एच प्लस निकाल दिया उसने, एच प्लस निकाल दिया। अब क्या हुआ कि ये यहां पर शिफ्ट, ये यहां पर शिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ और प्रोडक्ट क्या बना, क्या यही प्रोडक्ट बना आपका भी, यहां नेगेटिव चार्ज और यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, टीएमएस क्लोराइड से टीएमएस को चुरा लिया इसने, तो क्या बनेगा, ये देखो ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और इसको लग गया TMS, ठीक है, ये टेट्रामिथाइल सिलेन ही है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब हमारी पिक्चर यहां शुरू होती है, जब हम इसको थर्मल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तब वो जो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक वाला पिक्चर है वो यहां स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे लिए नंबर वन है, इसको हम 2 दे दे, इसको 3 दे दे, ये 4, ये 5 और ये 6। होता क्या है, एटम 3 और एटम 4 के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 और 6 के बिटवीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट बना दो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। आप फिर करके देखना, आपको नहीं आया तो मुझे बताना। यहां पर हो जाएगा एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन के साथ टीएमएस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां तक आ गए हम, यहां पर TBAF की हेल्प से इस टीएमएस को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप से हमको दिखाई देता है, OH यहां पर भी है डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट की रिएक्शन हम करवाते, मैं यहां नीचे कर देता हूं इसका, CH2N2 माइनस से करवाते हैं हम, तो होता क्या है कि ये जो H है वो H प्लस के फॉर्म में इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट देखना जरा ध्यान से, नीचे दिख रहा हो तो आपको ठीक है, अदरवाइज आप नोट्स में देखेंगे इसको। यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां लगा रहा हूं मैं CH3N2, क्या लगाया मैंने, CH3N2। अब फाइनल प्रोडक्ट पर आ गया हूं मैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से N2 मीन्स नाइट्रोजन निकल जाएगा और OME बच जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा OME। यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, मैं भूल रहा हूं उसको, तो आप तो लगा के रखना, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ध्यान से देखें इसको, प्रोडक्ट को मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, क्या प्रोडक्ट बनता है मेरा, ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ भी नहीं लिखता, यहाँ लिखता जगह बहुत कम पड़ जाती है हमको, ये हुआ ऑक्सीजन और ये हुआ OME, यहाँ पर भी है हमारे पास डबल बॉन्ड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ऐसे, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स, कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट एंड आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।